हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स, मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोग के लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, बिजनेस साइकिल, जो कि आप में से बहुत से फ्रेंड्स जानते भी होंगे और कुछ हो सकता है नाम सुना है लेकिन पूरा डिटेल नहीं पता होगा। ये वीडियो फ्रेंड्स बीकॉम एमकॉम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप बीकॉम एमकॉम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हमारे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आप लोग बेल आइकन को दबा प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करके उसमें से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करके आप लोग टेस्ट देते रहें। साथ ही हमारे कुछ और भी एडिशनल कोर्सेस अभी लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो और अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से आप लोग परचेस करके अपना प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए डिप्रेशन सबके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। पहले देखिए साइकिल चलता कैसे, डिप्रेशन, फिर होता है रिकवरी, देन आता है बूम आ गया, फिर रिसेशन आता है, फिर ये साइकिल घूमते हुए जाता है, डिप्रेशन, देन अगेन ये रोटेट करता है। किसी किसी जगह पे लिखा हुआ है बूम इज द फर्स्ट स्टेज। फ्रेंड्स, बूम इज नॉट द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ये एक्सेप्शन में होता है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल इंडस्ट्री होते हैं जिसका पहला ही बिजनेस हो सकता है कि पहले ही बार में वो बूम कर जाए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पहले बूम स्टेज नहीं होता है। चलिए पढ़ते हैं इन सब के बारे में। बूम का मतलब क्या होता है, रिसेशन, रिकवरी और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, तो पहला फेज बिजनेस साइकिल का क्या है, डिप्रेशन, जहां पे वेरी लो प्रोडक्शन। जब आप बिजनेस पहली पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बिजनेस क्या, किस स्टेज पे आप रहेंगे, डिप्रेशन स्टेज पे, वेरी लो प्रोडक्शन। भाई अभी अभी आप तो नया नया प्रोडक्शन स्टार्ट किया हो, बिजनेस प्रोडक्शन आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहेगा, कम रहेगा आपका, ठीक है। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप कम प्रोवाइड कर पाओगे स्टार्टिंग में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी कम रहेगा। रिकवरी स्टेज मोर सेटिस्फैक्ट्री देन डिप्रेशन, ये डिप्रेशन से जब हम थोड़ा थोड़ा मार्केट में थोड़ा सा बन गया है मेरा, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को आपने कैप्चर कर लिया है, अब आप थोड़ा सा अपने लेवल से उठने लगे हो डिप्रेशन के लेवल से, तो ये आपका रिकवरी स्टेज आता है, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री देन डिप्रेशन। रिकवरी स्टेज स्टार्ट विथ सम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है करना। सम पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस अराइजेस इन द इकोनॉमी विच लीड टू इंक्रीज इन ट्रेड एक्टिविटीज, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए कब आता है, रिकवरी और बूम के बीच का एक और स्टेज होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक स्टेज आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो आप बूम कर जाओगे, तो ये यहाँ पे ये बिजनेस साइकिल का पार्ट नहीं होता है, बस माना जाता है कि रिकवरी होते होते एक स्टेज ऐसा भी आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का, और जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया इकोनॉमी में आप कर जाओगे बूम, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट देखिए, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, जहाँ पे प्रोडक्शन, जब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे ही होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज फुल्ली, रिडक्शन इन रियल वेजेस, देखिए फ्रेंड्स रियल वेजेस में रिडक्शन होगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, भाई सबके पास नौकरी है, जरूरी नहीं है कि लोग कितने पैसे पे नौकरी कर रहे हैं, बस सब लोग नौकरी पे इंगेज है, सब लोग कुछ ना कुछ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। रियल वेजेस, रिडक्शन इन रियल वेजेस, स्टेबल प्राइस, कैश इनकम इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, एटमोसफेयर ऑफ ऑप्टिमम अमंग बिजनेसमैन एंड इकोनॉमी एज ए होल, समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, बूम के बारे में, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जहां पे इन्वेस्टमेंट अब क्या होने लगा, इंक्रीज, बूम स्टेज है, इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। जब इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया है, तो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी भी बढ़ने लगेगा,
जब प्राइस ऑफ कॉमोडिटी बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब जब लोगों के पास पैसे आ गए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो इकोनॉमी में एक और चीज क्या देखा जाएगा, स्पेकुलेशन, गुड्स को लेकर स्पेकुलेशन देखा जाएगा, रिडक्शन इन एक्चुअल वेजेस, एक्चुअल वेज भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वाला स्टेज है ना। तो रिडक्शन इन एक्चुअल वेजेस, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म इन मार्केट, मार्केट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको दिखेगा। देन अब क्या है फ्रेंड्स, रिसेशन, डिसअपॉइंटमेंट और पेसिमिज्म अबाउट फ्यूचर, मार्केट में नेगेटिविटी होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, धीरे धीरे बिजनेस गिरता जा रहा है, मार्केट इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी आप COVID-19 चल रहा है, तो अभी का देख लो, अभी मार्केट रिसेशन पीरियड में चल रहा है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस सबका धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, जैसा कि अभी का सिचुएशन देख लो, प्राइस एंड वेजेस गेट लोअर्ड दिख रहा है अभी अभी के सिचुएशन में, रिडक्शन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सब कुछ अभी आप देख लो अभी के सिचुएशन में, अभी आपको सब कुछ दिख रहा है, ये इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज अनस्किल्ड लेबर आर एम्प्लॉयड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था बिजनेस साइकिल का वीडियो, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा बिजनेस साइकिल क्या होता है, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, ये ऐसे साइकिल चलता है, ठीक है, इनसे रिलेटेड बातों को हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, उन स्टूडेंट्स तक, उन फ्रेंड्स तक भी इन वीडियो को पहुंचाइए जो लोग अपने तैयारी को प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास अच्छे रिसोर्स और अच्छे नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।